नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑरा पर। इट्स ऑल अबाउट हेल्थ हीलिंग एंड लिविंग। मेरा आज का वीडियो आधारित है आपसी संबंधों के ऊपर। आपसी संबंध को कैसे ठीक करा जाए जो हमारे जीवन में बिगड़े हुए हैं, हमसे नाराज है या हमसे दूर चले गए हैं, इनमें कैसे मिठास भरी जाए और कैसे संबंधों को करीब लाया जाए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए बात करते हैं इसी इंटरेस्टिंग फेंगशुई टिप्स पर। कौन सा ऐसा फेंगशुई गैजेट है जो संबंधों में लेकर आएंगी खुशहाली और खुशियाँ? खूबसूरत घर वो होता है जहाँ खुशियाँ बसती हैं, रिश्तों में मिठास होती है और सुखद भविष्य की कल्पना होती है। भला कौन नहीं करता ऐसे घर का तसव्वुर? आप और हम सब चाहते हैं कि हमारा घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इसके लिए एक ऐसे ही फेंगशुई गैजेट की आपको जानकारी आज मैं देने जा रही हूँ, जो पारिवारिक रिश्तों के बीच मिठास पैदा कर सकती है। ये गैजेट है फेंगशुई तितलियाँ, जिसे कि फेंगशुई बटरफ्लाइज कहा जाता है। तितलियों का संबंध खूबसूरती और खुशहाली से है। जिस तरह तितलियां किसी भी बगीचे की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, उसी तरह फेंगशुई तितलियां आपके घर को खुशियों का बसेरा बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आइए जानते हैं इस गैजेट और इसके उपयोग से जुड़ी कुछ बड़ी खास बातें। जो लोग फेंगशुई को मानते हैं और जिनके घर में तितलियों की मौजूदगी आपको दिखेगी, वो इस बात का प्रमाण है कि वो लोग या वो सदस्य अपने जीवन में खुशहाली की कामना रखते हैं। इस गैजेट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग अपने मन चाहे जीवन साथी यानी अपने प्रेम संबंध को बहुत मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप भी अपना मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या जीवन साथी के प्यार की कमी को महसूस कर रहे हैं, तो इस गैजेट को घर में अवश्य से स्थापित करें। अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते हैं, तो इस गैजेट को अपने बेडरूम में ज़रूर से रखें। कपल के बेडरूम में भी ये गैजेट उनके प्रेम संबंधों में मिठास एवं उत्साह भर देगा। फेंगशुई के इस गैजेट का संबंध क्रिएटिविटी से भी है। फेंगशुई तितलियों को क्रिएटिव कार्यों से जुड़े युवा युवतियां अपने कक्ष में रखें तो उनकी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। आप इस गैजेट को बच्चों के स्टडी रूम में भी रख सकते हैं। इससे पढ़ाई में ना सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी बल्कि वे क्रिएटिव भी बनेंगे। एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, वो बात ये कि फेंगशुई तितलियों को जहाँ तक संभव हो सके इवन संख्या में रखें। अनइवन संख्या में इन्हें नहीं रखना चाहिए। अगर पेंटिंग के रूप में भी आप इस गैजेट को घर पर लाते हैं, तो भी ज़रूर से इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेंटिंग में तितलियों की संख्या इवन होनी चाहिए, ना कि अनइवन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तितलियों को खरीदने का परचेज ऑनलाइन लिंक दे दूंगी। अगर आप उसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। बाकी अगर आपके घर के पास कोई दुकान हो या कोई मार्केट हो, अगर आपको रिजनेबल रेट में मिल रहा हो तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। बहुत से व्यूअर्स ने मेरे से पूछा कि जो मैं ये आइटम्स के बारे में सजेस्ट करती हूँ फेंगशुई और वास्तु के वीडियोस में, वो इन आइटम्स को कहाँ खरीद सकते हैं और कहाँ से ये मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे मैक्सिमम वीडियोस में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइटम्स के परचेज लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन जाके इसको खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस आसान से और इस सस्ते से और बड़े ही आसानी से मिलने वाले इस गैजेट को अपने घर में लाइए और इसको जिस तरह से मैंने कहा है इवन में प्लेस करिए और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख का आगमन देखिए।
मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी लाभकारी वीडियोस आने वाले हैं। और जो बेल बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपकी कोई सलाह है या सुझाव हो तो मैं ज़रूर से उसे जानना चाहूँगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आने वाले वीडियोस में उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।